बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक कहानी है मेहनत की कमाई। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह और निर्जल था, काम करने की उसकी आदत नहीं थी। सीधा माँ के पास गया और रो धोकर मन्नतें कर उसे कुछ पैसे देने के लिए राजी कर लिया। माँ से बेटे का दुख देखा नहीं गया, उसने उसे 1 रुपया बक्से से निकाल कर दे दिया। रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया? लड़के ने झट से रुपया निकाल कर दिखा दिया। अनुभवी पिता सब समझ गए। उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंक दे। लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। इस बार लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया? लड़के ने जेब से निकाल कर 1 रुपया बाप के सामने रख दिया। बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने वैसा ही किया। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को कुछ दिनों के लिए बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं था। विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। एक सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। वह थक कर चूर हो गया। उसके पांव कांप रहे थे, गर्दन और पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने कुछ कमाया? लड़के ने चवनी निकाल कर दिखाई। बाप बोला, जा इसे कुएं में डाला। लड़के को क्रोध आ गया। वह बोला, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी गर्दन कमर और पैर दुखने लगे हैं, आप कहते हैं इसे कुएं में डाला। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले ही दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। कहने का आशय यह है कि मेहनत से की हुई कमाई प्यारी होती है, वह कभी भी दुख नहीं देती, वह कभी भी पीड़ा नहीं।